रहमतुल्लाहि व बरकातहू मेरा नाम मोहम्मद अली है मैं एक तलबिल हूँ इकबाल का माइंड इंजीनियर हूँ एन एल पी ट्रेनर हूँ और लाइफ कोच हूँ काफ़ी अरसे से इकबाल के ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पर और बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर बशीर अमरीन साहिबा का और उनकी टीम का कि उन्होंने मुझे आज यहाँ इकबाल अकेडमी में वो किया और अकबाल पर बात करने के लिए बुलाया जो कि मेरे लिए एक ग्रेट ऑनर है बिकॉज इकबाल पे बात करना ऐसे ही है जैसे आप आ, सूरज को चांद दिखाएं सॉरी चिराग दिखाएं तो आ, मैं आ, जो इकबाल अकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है इकबाल के ऊपर और हमें ख़िला हमें अगर इकबाल के रिवाइवल के ऊपर अगर ये काम जिस तरह का कर रहे हैं वो काफिल तहसिन भी है और उसको सराहना भी चाहिए आज हम जो इकबाल की जिस नज़म पर बात करने जा रहे हैं उसका अनवान है इबलीस की मजलिस शूरा ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है आ, लोग समझते हैं शिकवा जवाब शिकवा फेवरेट्स होंगी बहुत भी बहुत अच्छी है वन ऑफ़ द फेवरेट्स वो भी हैं बट ये इकबाल इदलीस जो इबलीस इदली की मजलिस से शूरा है ये एक ऐसी नज़म है जो हमें झंझोड़ती है जो हमें आ, सही मानों में बेदारी देती है बिकॉज़ ये इकबाल की पूरी ज़िंदगी का उन्नीस सौ आठ में जो सफ़र इकबाल ने शुरू किया था अपनी डेथ उन्नीस सौ अठतीस से पहले जो आप समझ लें कि उन्होंने अपने पिनिकल पर अपने पीक पर जाकर जो निचोड़ निकाला जो उन्होंने अपने सारे कलाम का एक समरी बनाई मैं समझता हूँ वो ये नज़म है उन्नीस सौ छत्तीस में उन्होंने ये नजम लिखी थी और अरमगान एजाज़ में और उसका स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है बिकॉज़ मैं ख़ुद जब पढ़ाता हूँ मैं जब और मैं जब अपने सेशंस करता हूँ तो मेरा भी स्टाइल मेटाफोरिकल है मैं तमसीली कुरान में भी हमें बहुत सारी मेटाफ़र्ज़ मिलती हैं सो इकबाल ने उस मेटाफ़र्ज़ की जो है ना एक एंड कर दिया है इस नजम के अंदर और अगर मैं इस नजम की आपको बेसिक समरी में जाऊँ तो आप आ, मैं कुछ कॉन्सेप्ट हैं मैं चाहूँगा कि उनको हम समझें कि उस वक्त हम इसका पहले स्याकों से बाग समझते हैं कि उस वक्त क्या हो क्या रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी पीक पर थी आपके खिलाफत ख़त्म हो चुकी हुई थी दुनिया एक तबाही के दहाने यानी कि वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही थी एक से निकल के दूसरे की तरफ बढ़ रही थी ठीक है इंडिपेंडेंस की मूवमेंट जिसको अंग्रेज़ ग्रेट म्यूटनी कहता है हम उसको इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहते हैं वो हो चुकी हुई थी अभी पिछले कुछ अरसे के हम हालात अगर देख रहे हैं कि जहाँ से ये सारा सफ़र इकबाल का जब शुरू होता है और सारी चीज़ें इकनॉमिक मेल्क डाउन हो चुका हुआ था ठीक है ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था दुनिया एक एक अजीब से डिप्रेसिंग किस्म के माहौल में बैठी हुई थी और समझ लोगों को नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है उस वक्त में इकबाल ने ये जो नज़म लिखी इस इसकी एक खास बात ये थी जो मैं ये समझता हूँ कि इकबाल ने इंसानी नफसियात को समराइज़ कर दिया है इस एक नजम में हाँ जी ये आपको बड़ी हरत होगी इस बात की कि इंसान के अप्स एंड डाउनस उसके साथ होने वाले कहीं पर उसके अंदर किबर आ रहा है कहीं पर वो खुशामद लेना चाह रहा है कहीं पर वो आ, अपने आप को अकल कुल समझता है कहीं पर वो बिल्कुल कहता है कि यार पता नहीं मैं इबादत इबाद कहता ना बंदगी में पड़ जाऊँ या मैं खुद ही की तरफ आऊँ कन्फ्यूजन्स में रहता है तो वो सारी की सारी चीज़ें इकबाल ने एक ऐसी खूबसूरत तमसील में बांधी आ, जिसके जिसके इब्लीस और उसके जो मशीर हैं उन्होंने जिस, जिस तरह से उसको बयान किया है तो वो मेरे नज़दीक एक इस तरह का एक तमसील में ये ये कॉन्सेप्ट ये जो इंसानी ह्यूमन साइकी के जो इफेक्ट्स हैं उस वक़्त के हिसाब से उनको इकबाल ने ए, इस इस लड़ी में पिरोया है लेकिन मज़े की चीज़ आपको बताऊँ तो वो ये है कि ये आज भी नज़म उतनी ही वैलिड है बल्कि शायद उससे ज़्यादा वैलिड है क्योंकि आज भी हम कभी तो करोना से लड़ रहे हैं कभी हम महंगाई से लड़ रहे हैं कभी इन चीज़ों से लड़ रहे हैं जो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो इकबाल ने छेड़े हैं वो ये कि शैतान जो है वो ये ब्लीस जो है वो ये बता रहा है कि मैं हमले करता कैसे हूँ मेरा मोडस ऑपरंडी क्या है मेरा एक्चुअल तरीक़ा एक कार क्या है मैं कैसे आप लोगों को जो है ना वो अपने जाल में फंसाता हूँ बड़ा खबीस है उसने अल्लाह को सब्बाना ताल रब तेरी इज्जत की कसम ठीक है मतलब उनकी इज़्ज़त करता है क्या कह रहा है मानता है कि आप रब हैं आपकी इज़्ज़त ही कसम ठीक है और वो अल्लाह ने उसकी कई चीज़ें जो हैं वो कुरान में हमें डाल के दे दी हैं हमें उसके सारे जो उसके जो तहरबे हैं तरीक़े हैं वो हमें बता दिए हुए हैं वो कहीं पर हमें विक्टम मेन्टेलिटी में डालता है सुर आराफ आयत नंबर सोलह कहीं पर वो हमें जो है वो किबर में ले जाता है ठीक है कहीं पर वो हमसे ऐसे अमाल करवा लेता है अब वो करता कैसे है उसकी पूरी टीम क्या काम कर रही है और वो कैसे इस दुनिया को कवर करता है तो उसने उसके लिए ऊपर इकबाल ने यहाँ पर बताया कि उसने डिफरेंट अदवार में हमें डिफरेंट लॉलीपॉप दिए कहीं पर मलूकियत का कहीं पर सेकुलरिज़म का कहीं पर कम्यूनिज़म का कहीं पर रिचुअलज़म का उसे क्या कहना चाहिए कहीं पर सोशलिज़म का और आजकल डेमोक्रेसी का इसका जिक्र इकबाल 1936 में कर रहे हैं ये हम इसको इन शाला आगे जाकर डिटेल से डिस्कस करेंगे इसी के साथ साथ जो कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हमें शुरू में समझ आएंगे तो हमें इस नजम को पढ़ने में मज़ा भी आएगा और हम इसको समझने में आसानी भी रहेगी जो दर्स इकबाल इसमें हमें दे रहे हैं वो सबसे पहला है खुदी का जी बात शैतान की हो रही है अब्लिस की हो रही है उसके मुशीरों की हो रही है लेकिन दर्श हमें मिल रहा है खुदी का हमें दर्श मिल रहा है सेल्फ रिजिलियंस का हमें दर्श मिल रहा है यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस का इंडिविजुअलिटी का आ, क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस का आज़ादी का ये सारी चीज़ें जो हैं ये इकबाल इस नजम में जो है आ, 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 आप समझ लें कि उन्होंने ऐसे परोई हैं मैं थोड़ा सा नजम की तरफ चढ़ूँगा और मैं चाहूँगा कि आपको मैं इससे रिलेटेड चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत पूरी नजम तो हम जाहिर नहीं कवर कर सकते लेकिन मैं कुछ अशार को के साथ आपके साथ इसमें शुरू करूँगा जिसमें सबसे जो पहला शेर है इस नजम का जो ओपनिंग शेर है ये मेरे बड़ा ही टची शेर है ये अनासर का पुराना खेल ये दुनिया दूँ सा किन अरश आज़म की तमन्नाओं का खून अक्सर लोग इसको यूँ देखते हैं कि जी ये फरिश्तों के हवाले से बात हो रही है हमने इसके ऊपर बहुत सारा जिक्र भी किया है बट मैं ये समझता हूँ ये मेरी अपनी एक, 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 समझ है क्योंकि हर इंसान एक शेर के डिफरेंट मानी समझ सकता है कि हाँ ठीक है साके नाने अरश जो थे वो फरिश्ते थे बट हम भी तो साकेन अरश ही थे और हम वहाँ पर सबसे अशरफुल अशरफुलमखलूक़ात थे हम आहसन तकवीम थे इंसान दो चीज़ें हैं इस दुनिया में जो इस दुनिया को बिलोंग नहीं करती थी और वो अल्लाह ने यहाँ भेजी एक इंसान और एक लोहा दोनों यहाँ उतारे गए ठीक है सो हम हमारे भी तो अरमानों का खून जो है वो हुआ और ये जो अनासर हैं जिनको वो आ, अनासर का पुराना खेल जो कह रहा है आग पानी हवा इन सब के साथ मिलकर ही ये सारी दुनिया ये सारी कायन बनती है तो आ, इसी में वो आगे कह रहे हैं कि इसकी बर्बादी पे आज आमादा है वो कारसाज जिसने इसका नाम रखा था जहाँ ने काफ नू यानी कि ये इस नज़म में आगे चल के आपको पता चलेगा कि वो करने क्या वाला है अभी याद रखिएगा कि हमने ऑलरेडी जिक्र किया कि वर्ल्ड वॉर अभी हुई नहीं है वर्ल्ड वॉर की आमद हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि जो हालात पैदा हो रहे हैं और वो ऐसे हो रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जो कन फयकून कहने वाला है वो अब इसको ख़त्म करने लगा है इस दुनिया को इसको सब कुछ हस्ती सफा हस्ती से मिटाने जा रहा है तो उसी किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं बेसिकली वो अपनी अपने ऊपर से अगेन इल्ज़ाम हटाने की कि जी मैंने कुछ नहीं किया लेकिन वो आगे फिर जहाँ पर एक बड़ा जबरदरस उसने बात की वो अपने बारे में जब बात करता है मैं के ऊपर जब आता है तो कहता है मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का मैंने मुनिम को दिया सरमायादारी का जनों अब यहाँ से ये बिल्स ट बात कर रहा है अपने मुशीरों से तो उनको बता रहा है कि मैंने यहाँ पर क्या, क्या क्या किस किस तरीके से मैंने इन लोगों के ऊपर इस, इस, इस दुनिया में रहने वाले इंसानों के ऊपर अटैक्स किए हैं हमले किए हैं ठीक है तो उनमें एक जो बहुत बड़ा हमला है वो ये कि होता ये था कि पहला कॉन्सेप्ट यह था कि जिसके पास पैसा होता था वो गरीबों की मदद करना या दो अपने आज आवाम के लिए खिदमत करना फ़ख्र समझा करता था ठीक है जिस तरह उस्मान ऊस्मान गनी ने पूरा वो कुआँ ख़रीद के दे दिया जिस तरह और भी हमारे पास बेताशा मिसालें मौजूद हैं तो वो तो ज़ाहिर अब इब्लीस को पसंद नहीं था तो उसमें तो उसकी दाल नहीं गल रही तो वो कहता है कि मैंने इनको वो सिखा दिया सरमायादारी ओए जमा करो माल उसके ऊपर अल्लाह ने हमें माल जमा करने के ऊपर कितनी वहीद है कुरान में ऊपर पूरी एक सूरत नाजिल हो गई इस चीज़ के ऊपर कई आयात में मौजूद हैं तो उसने कहा कि मैंने इनको ये सिखाया कि नहीं यार तुम पैसा बचाओ तुम अपने बारे में सोचो कि तुमने कैसे आगे चलना है आप सोचिए कि वो किस किस तरीके से कैपिटलिज्म को उसने हमारे अंदर इंड्यूस किया इंजेक्ट किया और इसके बाद वो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ से आगे चलूँगा इसको स्किप करूँगा कि ए, एक बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर उसने पॉइंट और जो निकाला वो ये है कि इसमें क्या शक है कि मोहकम है ये इब्लीसी निज़ाम पुख्ता तर हुए इससे हुए खुए ग़ुलामी में अवाम आज आप देखें हम लोग क्या कर रहे हैं उस वक़्त भी ये हो रहा था और आज भी ये हो रहा है हम डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं उसने हमसे एक चीज़ छीनी है और वो है यकीन आ, इकबाल ने एक और इसकी इकबाल की नजर है इबलीस का अपने अब जो है ना सियासी क्या कहते हैं इबलीस का खिताब अपने फ़र्जंदान के साथ उसमें उसने ये बड़ा ही ज़बरदस्त शेयर इबलीस ने पढ़ा कि वो फ़ाका कश इकबाल कहते हैं कि वो कह रहा है कि वो फ़ाका कश के मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो रूह मोहम्मद जब निकलती है ना तो यकीन ख़त्म हो जाता है और हमारा यकीन छीना है कैसे क्योंकि हमें उसने रिचुअल्स में लगा दिया है हम सुबह शाम क्या चीज़ ऊपर करनी है क्या चीज़ नीचे करनी है माथे खड़े कैसे होना है बैठना कैसे है आ, हज उमरा सगात फ़राइज़ को हमने समझ लिया कि यही इस्लाम है फ़राज़ तो फ़राइज है ना ठीक है और आगे चल के वो इसको मैं पूरी तफसील से वो बताएगा अभी कि वो सारा किस तरह से वो ये कर रहा है ठीक है तो वो कहता है कि मैंने इनको ऐसे गुलामी में फंसा दिया है कैसे ऐसे तोक़ में फंसा दिया है कि जिससे इनके लिए निकलना बड़ा ही मुश्किल है यहाँ पर आगे है अजल से इन गरीबों के मुकदर में सजूद इनकी फ़ितरत का तक है नमाज बे ये वही बात जो मैं अभी पहले कर रहा था कि उसने कहा कि बस इनको जो है ना बीडियंस में लगा दो यह एक बहुत बड़ा हमला है इस्लाम हमें जो चीज़ सिखाता है वो है खुदी इस्लाम हमें आज़ादी देता है इस्लाम हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और यही इकबाल का पैगाम है खुदी का पैगाम लेकिन वो इबलीस क्या हमें कह रहा है कि मैंने इनको ओबीडियस पे लगा दिया मैंने इनको वो ये था कि असल में अगर आपको याद हो उस ज़माने में जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी उस ज़माने में आ, कुछ ने ये फ़तवे देने शुरू कर दिए थे कि चूँकि अंग्रेज़ ने हमें इबादत की इजाज़त दे दी है और हमारे पर ये सारी कदघरें ख़त्म कर दी गई हैं तो इसलिए हमारे अब हमें जो है ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं खड़े होना सर झुका कर बस अपनी इबादतें करते जाओ अरे यार क्या निज़ाम और क्या उस निज़ाम की फॉलोइंग आप देखिए कि आज भी हम लोग इसी भंवर में फंसे हुए हैं ठीक है जबकि इस दीन तो ये नहीं सिखाता हमें इकबाल हमें ये नहीं सिखाता इकबाल कहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ अवेयरनेस खुद ही किस चीज़ का नाम है इकबाल कहते हैं अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी तो मेरा नहीं बनता न बन वो अपना तो बन हम अपने तो बन नहीं रहे हम अपने आप को जान नहीं रहे इस मशीन को अल्लाह सुबह ने या इस मखलूक को अल्लाह ने इतनी सलाहियतों से पैदा किया है इतनी सलाहियतों से कि वो जन्ात में भी नहीं है मलका बिकली बिल्कीस का तरख इंसान लेकर आया था ये सलाहियतें ख़ुद को जानने की हैं और यही बात इकबाल यहाँ पर बार बार हमें बताएंगे और बता रहे हैं और अपनी हर नज़म में ये बात कह रहे हैं वो ठीक है सो आ, ये आ, मैं यहाँ थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा यहाँ पर है तवाफ़ हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या कुंद होकर रह गई मोमिन की तेग बे अल्लाह अल्ला अकबर अब देखिए कि मुझे मैं भी पहले बात करके आया था वही बात यहाँ दोबारा आ रही है कि हम बस रिचुअल्स में पड़ गए हैं ठीक है जो हमारे न्याम में जो तलवारें हैं उनको जंग लग चुके हैं मोमिन है तो बेतेख भी लड़ता है सिपाही याद आपको काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा मोमिन है तो बेतग भी लड़ता है सिपाही और हमारी वो जो तेगें हैं वो इसी रिचुअलिज्म के वजह से और इसीलिए हम इन फितनों में पड़ गए हैं फ़िरकों में बट गए हैं हम क्योंकि अब हमें इस वक्त ये समझ नहीं आ रही कि क्या सही है क्या गलत है हम उनको तो मान रहे हैं बट उनकी नहीं मान रहे हैं Okay. और यही यहाँ पर वो बात कर रहा है आ, ये मैं दूसरा पहले हमने कैपिटलिज्म की बात की अब मैं दिखाता हूँ कि वो दूसरी जो है जो उसका दूसरा मुशीर है वो कहता है खैर है सुल्तान जमहूर का गगा के शर तू जहान के ताज़ा फितनों से नहीं बाबर अब वो ताज़ा फितने किसको कह रहा है अब ये देखिए 1936 की बात हो रही है आज 100 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट ठीक है हम तेरह मतलब तो सतासी साल हो चुके हुए इस बात को इस नजर को लिखे हुए और वो जिस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पर दूसरा मशीर उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी और आज भी हम इसी डेमोक्रेटिक सर्कल में फंसे हुए हैं जिसको हम समझते हैं मैं इसको पीपल गवर्नमेंट ऑफ द पीपल की बजाय पावर ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल का कॉन्सेप्ट को लूँगा गवर्नमेंट नहीं लूँगा यहाँ पर ठीक है तो मतलिकान तो अल्लाह की ज़ात है हाउ कैन पीपल बी मुतलिकुल अनान राइट तो वो यहाँ पर उसी चीज़ को वो बता रहा है कि यार हमने इनको नए फितनों में डाल दिया तो उसका नहीं पता वो अपने दूसरे मशीर कह रहा है तुझे नहीं पता ये भी हमने नया फितना शुरू किया है ठीक है तो वो पहला मशीर उसको जवाब देता है कहता है हूँ हूँ जानता हूँ यार हूँ मगर मेरी जहाँ बीनी बताती है मुझे जो मलूकियत का एक पर्दा हो क्या इससे ख़तर अब ये तीसरी निज़ाम आ गया यहाँ पर मलूकियत किंगशिप और आज आपको मैं ये बताऊं आप उठा के देख लीजिए अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हैं क्या उनके किसी भी लीडर के पास कोई इख्तियार है मलूकियत के अलावा क्या वो मलूकियत नहीं हो रही डेमोक्रेटिक मलूकियत हो रही है आजकल और ये उस वक्त उन्नीस सौ छत्तीस में भी इकबाल को ये चीज़ नज़र आ रही थी ठीक है सो मलूकियत का एक पर्दा जो है वो कहता जब मलूकियत का पर्दा आ गया ना कोई ख़तरा नहीं है यार टेंशन क्या लेते हो भाई हमने खुद कर लिया है हमने खुद आगे वो इसी चीज़ को आगे बता रहा है ये देखिए कहता है हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास वो खुद इकबाल को आगे वो ने बताया कि वो पहला मशीर कह रहा है हम ही तो हैं वी आर द वंस जिन्होंने बादशाही को खुद शाही को अपने आप को किंग बनाने को हमने जमहूरी लिबास बना दिया कि भाई ठीक है तुम्हें किंगडम नहीं पसंद थी मलूकियत नहीं पसंद ये लो डेमोक्रेटिक में आ जाओ जब जरा आदम हुआ है ख़ुद शनास व ख़ुद नगर और अगर हमारे पास कुछ नहीं बचा तो हमने उसको एक नए गर्दाब में डाल दिया और वो है ह्यूमन राइट्स माय राइट्स योर राइट्स इसके राइट्स उसके राइट्स अब आप उन रिचुअल्स में निकल जाएं क्यों जी ठीक है जब डेमोक्रेसी आएगी तो हमें राइट्स मिलेंगे आपने ये नहीं पता कि आपके पास राइट तो फिर भी कोई नहीं है सब लेफ़्ट ही है आपने सब छोड़ दिया हुआ है ठीक है और आ, आ, आगे वो बड़ी मज़ेदार एक बात यहाँ पर और भी कह रहा है आ, जो सिस्टम बनाया ना जो आजकल का सिस्टम हमारा बना हुआ है जो उस वक्त भी था इसको हम कह सकते हैं एक्सप्लाइटरी सिस्टम ये एक्सप्लॉयटेशन पे बना हुआ है कि मैं कैसे गासिब बन सकता हूँ मैं कैसे आपका माल ले सकता हूँ मैं कैसे कब्जा कर सकता हूँ हमें हम ये कहते हैं ना ये फ़लाना बुरा ये बुरा वो बुरा कोई बुरा नहीं है अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी तो मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन हम अपने ही नहीं बन रहे हैं तो यहीं पे वो कह रहा है मजलिस मिल्ल मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नजर, नज़र अकबर। अब आप उसको चाहे बादशाह कहें चाहे आप डेमोक्रेटिक लीडर कहें वो नज़र तो किसी और के माल पर रख के बैठा है असल में ये जो है ना यही यही सारी स्टोरी है कि जो एक कॉन्सेप्ट था इस्लाम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं ये समझता हूँ जो इस शेर से मेरी समझ में आता है कि जो हम लोग भूल चुके हैं वो है निफाक का कॉन्सेप्ट इनफाक एक यानी कि गिविंग का कॉन्सेप्ट इनफाक यानी कि देने का कॉन्सेप्ट मजा लेने में नहीं है मज़ा देने में है वो कॉन्सेप्ट हम भूल चुके हैं क्युं? क्यों क्योंकि हमारी नजर दूसरे की खेती पे है वो फिर हम मैं अपने घर का बादशाह हूं या मैं अपने मोहल्ले का बादशाह हूं या मैं मुल्क का बादशाह हूँ ठीक है मुझे उसने यही बता दिया आ, इस नज़म में आप ये देखिए कि उसने तमाम जो सिस्टम्स आए जो इज़म्स आए इकबाल ने वन बाई वन शैतान और उसके मशीरों के रेफरेंस से लेकर और उनके मेटाफोर से जरिए हमें ये बताया कि वो कैसे कैसे, कैसे किस किस सिस्टम से कैसे एक ही टॉफ़ी को डिफरेंट रैपर्स के ज़रिए हमें खिलाया जा रहा है ठीक है सो so, आगे देखते हैं कहता है रूह सुल्तानी रहे बाकी तो फिर क्या इजतराब है मगर क्या उस यहूदी की शरारत का जवाब यहाँ पर वो बगे देखिए बात वही हो रही है कि वो एक पुरानी ट्रॉफ़ी को एक नए रैपर में लेकर आ रहा है वो कह रहा है रहेगी तो ये बादशाह थी चाहे उसको पहले हमने मलूकियत का नाम दिया फिर हमने उसको कोई और नाम दिया अब वो जिसका जिक्र कर रहा है उस यहूदी का वो काल मार्क्स है काल मार्क्स की किताब थी दास कैपिटल जिसने कैपिटल का आगाज किया और स्टार्ट हुआ ठीक है और उसकी वजह से आप देखें कि रशिया में र, वो जो रेड रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं खूनी रेवोल्यूशन जो था वो आया ठीक है और उस उन्होंने किस तरह से उड़ा उड़ा के सबको मारा उसका आगे उसने बकायदा यहाँ पर वो ये चीज़ें बता रहा है कि ये मैंने चीज़ें कराई ठीक है वो कहता है कि इससे बढ़कर और क्या होगा तबीयत का फसाद तोड़ दी बंदों ने आकाओं के खेमों की तनाव यानी कि इन सारी चीज़ों अब मकसद क्या है उसका उसका मकसद है दुनिया में अनारकी फैलाना एक मैं छोटा सा यहाँ पर एक किस्सा जरूर बयान करना चाहूँगा कि एक गांव में एक दख्त के साथ एक गधा बंधा हुआ था तो आ, किसी ने पूछा यार ये शैतान जो है ये कैसे लोगों पे हमले करता है तो कोई मेरे जैसा वहाँ पर खड़ा था उसने शैतान को देखा उसने शैतान से पूछा कि भाई तुम बताओ ये कैसे तुम करते हो शैतान ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं करता और ये बात याद रखिएगा आखिरत में भी शैतान कहेगा मैंने नहीं बहकाया साडे थे ना रहना जागते रहना ठीक है वो कहता है मैं तो नहीं कुछ करता मैं तो सिर्फ आओ तुम्हें दिखाता हूँ मैं सिर्फ तो उसने घोड़े की रस्सी उसकी गधे की रस्सी खोल दी तो मैं तो सिर्फ रस्सी खोलता हूँ गधे ने जाके खेत खाया खेत वाले ने गधे को मारा गधे के मालिक ने खेत वाले को मारा खेत वाले की बीवी ने उसकी बी, उसको मार दिया एंड बस उसके बाद वहाँ पर घुमसान का रन पड़ गया फिर जो था वो चश्मे फलक ने जो नज़ारा देखा वो वो वही था जो यहाँ पर ये वो बात कर रहा है कि अब हमने उनको एक नया रैपर दे दिया है ठीक है तो उन्होंने जो रेवोल्यूशन लाए वो लेन वाला वो इसी के ऊपर था अच्छा फिर वो यहाँ पर रुकता नहीं है यहाँ पर अगर देखें कि यहाँ पर उसके बात रुकी नहीं है वो कहता है यार और भी सिस्टम तो मैं बता दो मैंने जिसको ये नहीं पसंद आया उसके लिए मैं एक फाश सिस्टम लेकर आया क्या तोड़ उस उसका रोमते रोमतुलकबरा के ईवानों में देख आल सीज़र को दिखाया हमने फिर सीज़र का ख़्वाब वो मुजलिन को ले आया वो कहता है तुम्हें नहीं वो पसंद कोई बात नहीं हर एक के लिए हर एक के लिए मेरे पास एक नया रैपर मौजूद है तुम आओ तो सही फंसते जाओ जाते है कहाँ से वो मकड़ी वो इकबाल की एक नजर है मकड़ी और म, मकड़ा और मक्खी तो वो कैसे वो खुशामद से मक्खी को अंदर फंसाता है कहता निकल के तो देख एक दफ़ा तो अंदर आ गई अब जाके दिखा तो ये उसने वही बात यहाँ पर कर रहा है ठीक है आगे ना यहाँ पर मैं उसकी परेशानी अब वो शो कर रहा है कि जी ये इकबाल ने तो ये बात बता दी ठीक है तो अब क्या होगा तो तीसरा मुशीर कह रहा है मैं तो उसकी आकबत बीनी का कुछ कायल नहीं जिसने अफरंगी सियासत को किया यूं बेहिजाब वो कह रहा है ये तो हमारे एक्शन एक्सपोज कर रहा है ओ ये जो मुसलिनी और ये जो सारे आए हैं ये तो हम लोगों को लोगों के सामने बिल्कुल ओपन कर देंगे सबको पता चल जाएगा क्यों लेकिन एक बात याद रखिए अल्लाह एक बनाया हुआ निज़ाम है किसी ने मज़दूर बनना है किसी ने इंजीनियर बनना है किसी ने इलेक्ट्रिशियन बनना है तो किसी ने बादशाह बनना है ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ना कि आपके कम्युनिज्म ने और ये सारी चीज़ों ने तो आप अल्लाह के निज़ाम के अगेंस्ट नहीं जा सकते वो ये कहता है कि हमने इनको हर तरह से एन जब फैलाई तो हमने ज़रा इनको अल्लाह के निज़ाम के अगेंस्ट भी लगाया ठीक है और हमने कहा कि सब इंसान बराबर हो जाए सब इंसान बराबर हैं बट काम हर एक ने अलग अलग करना है ठीक है और इस पर वो कहता है कि ए तेरे सोजे नफ़ से कारम उसवार तूने जब चाहा किया हर परदगी को आशार अल्लाह अबरस्तफर यहाँ पर ना वेसिकली जो उसकी खुशामद कर रहा है क्योंकि अब वो तैयार कर रहा है उसको इब्लीस को कि तुम बाब बताओ आगे क्या करना है तो उसको वो कह रहा है उसको नौजबिल्ला कन फ़ या की ताकत दे रहा है कह रहा है तू ही तो करने वाला है भाई बाप जो आप चाहेंगे वो होगा आप देखिए कितना हमारा कमीना दुश्मन है कि जब कुफार मक् बैठ के प्लान बना रहे हैं कि हमने नबी वसल्लम पे हमला करना है तो ये खुद आ जाता है बजाते खुद और आगे कहता है जाओ जाओ हमला करो मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब वहां से फरिश्तों को देखता है सबसे पहले ये भागता है ठीक है सो so, वो उसका कह रहे हैं कि तुझसे बढ़कर फितरत आदम का वो महरम नहीं सादा दिल बंदों में जो मशहूर है परवरदिगार तो वो उसको कह रहे हैं कि वह भाई तू जब वो एक एक रवायत में आता है ना कि ये इंसान जब अल्लाह ने पुतला बनाया तो ये अंदर से उसके घुसा पूरा जिसम के अंदर से हमारे घुस के उसने एक एक जगह को देखा तो वो कह रहे हैं कि देख तुझे सब कुछ पता है ना तुझे पता है ये इंसान कैसे बहक सकता है इसको नफरत से काबू कर इसको औलाद से काबू कर इसको माल से काबू कर इसको हर जिस तरह से तू चाहता है तुझे पता है इसकी वीकनेस क्या है ठीक है तो वो ये कह रहा है कि हमने ये जो अल्लाह को शायद नवज़िल्ला मंजालिक इतना नहीं पता होगा जितना तू जानता है ठीक है और आगे उसके इसकी यही बात ख़त्म नहीं करता कहता काम था जिनका फ़कत तकदीस व तस्बी व तवाफ़ तेरी गैरत से अब तक सर नगु व शर्मशार यानी कि वह नवज़िल्ल के ये भी कह रहा है कि देख वो जो फरिश्ते थे ना जिनका काम सिर्फ इबादत करना है वो भी बेचारे शर्मिंदा हो गए होंगे कि हमने क्यों इस इंसान को सजदा किया तो मतलब कम्प्लीटली उसकी अब उसको जिन्होंने ना वो कहते ना झाड़ पर चढ़ा दिया है उसके मशीरों ने ठीक है अच्छा आगे फिर वो यहाँ पर मजदक का जिक्र करता है अब मुझे उनकी फ़िरासत पर नहीं है एतबार वो यहूदी फितनागर वो रूह मजदक का बरोस यानी कि वो कलबागस मुजलिनी लिनन इन सब के बाद अब वो आ रहा है कि जी मजदक जो कि एक ईरानी प्रॉफिट अपने आप को प्रॉफिट कहलाता था वाइज मैन कहलाता था ठीक है मजदाक या मजदक उसको कहते हैं तो वो उसके ऊपर अब कह रहा है कह रहा है ये सब जितने भी नाम आए जहाँ से भी आ रहे हैं कोई इनमें हमें इसे फर्क नहीं पड़ने वाला ठीक है अच्छा यहां पर ना आगे उसने एक और जबरदस्त बात कही मेरे आका वो जहान ने जेरो ज़बर होने को है जिस जहाँ का है फक तेरी सियादत पर मितार हा, हा, अब यहां पर नया सिस्टम आ गया जी सोशलिज्म कह रहा है जरूर ये सारी बातें हमने कर ली अब सोशलज्म आ रहा है ये कहीं आपको ख़त्म ना कर दे ये वही जो बात मैंने पहले की थी कि अल्लाह का एक निज़ाम है कि सब इंसान बराबर नहीं हो सकते तो वो अब उसकी तरफ लेकर जा रहा है ठीक है ये शेर समझने वाला है ये शेर मुझे बहुत ज़्यादा वो करता है क्या अमामान सियासत क्या कलीसा के सब सबको दीवाना बना सकती है मेरी एक हो देखें आप जब हम ये देखते हैं न पॉलिटिक्शनस या आपके रिलीजस लीडर्स या कोई भी इंसान है हम सब इंसान एक्चुअली हम सब का जिक्र हो रहा है मैं अपने घर का पॉलिटिशन भी हूँ मैं अपने घर का रिलीजियस लीडर भी हूँ ठीक है अगर हम अपने आप को वही बात मैं शेयर बार बार उसी की तरफ आऊँगा अपने मन में डूब के पाचा सुराग ज़िंदगी ठीक है तो अगर मैं वो कह रहा क मेरे लिए इनको ये अभी बात कर रहे हैं तो क्या मेरे लिए इनको फसाना कोई मसला नहीं है वो फिर मैं चाहे इनको सियासत के जरिए फंसाऊँ चाहे मैं मज़हब के जरिए फँसाऊँ चाहे मैं इनको जो है वो रिचुअल्स के ऊपर लेकर जाऊँ बट मैं कहीं ना कहीं से इनको पकड़ लूँगा ये मुझसे बचने वाले नहीं हैं ठीक है दीगे? और यहाँ पर एक थोड़ा सा आगे चलते हैं ये बांधा है जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कब डरा सकता है मुझको इश्तराकी कूचा गर्द ये परेशान रोज़गार अशफ्ता मगज़ अशफ्ता मूह है अगर मुझको ख़तर कोई ये शेर पढ़ते हुए बिना मुझे कुछ होता है है अगर मुझको ख़तर कोई तो इस उम्मत से है जिसकी खाकस्तर में है अब तक शरार आरजू वो कह रहे हैं यार मुझे बाकी किसी से कोई टेंशन नहीं है तुम चाहे किसी काल मार्क्स को ले आओ सोशलिस्ट को ले आओ फलाने को ले आओ वो सब मेरे ही बंदे हैं मैंने डिफरेंट है ऑफियाँ नहीं लेकिन मुझे डर लगता है इससे जिसके बारे में उसने पहले कहा था कि इसके अंदर से रूह है मोहम्मद निकाल दो ठीक है ये जो फ़जर की नमाज़ें पढ़ने आते हैं ना मुझे इनसे डर लगता है इसका आगे वो जिक्र भी कर रहा है ठीक है जिसकी ख़िस्तर में है अब तक शरार है आरजू कि इसकी जो ख़ाक है ना कहीं से ऐसा ना हो कि ख़ाक में से वो चिंगारी दोबारा उठे और फिर ये कौम खड़ी हो जाए खाल खाल इस कौम में अब तक नज़र आते हैं वो करते हैं अश्क सहर गाही अरे करते हैं अश्क सहर गाही से जो झालम वज़ू अशक सहर गाही आ, मैं चलिए मैं सिंपल से वर्ड बता दूँ कि सुबह की नमाज की बात हो रही है फ़जर की नमाज़ की बात जो मैं अभी पिछले कर कहता हूँ कह रहा हैं मुझे इनसे डर लगता है जो फ़जर की नमाज़ जो है ना ठंडी बर्फ़ पानी में भी उखो तो ये खड़े होकर नमाज के लिए वजू करते हैं मुझे इन लोगों से डर लग रहा है थोड़े हैं खाल खाल हैं बहुत बहुत थोड़े रह गए हैं बट वो थोड़ों को भी मार दो ख़त्म कर दूँगा मैं उनको भी ये कर देना चाहता हूँ क्योंकि अगर वो एक भी बच गया तो क्या हो जाएगा जानता है जिसपे रोशन बातिन अमाम है मजदाकियत फितनाए फ़रदा नहीं इस्लाम है वो कहता है कि अगर वो एक भी दोबारा रिवाइव करने पे आ गया ना तो मुझे उस एक से ख़तरा है क्योंकि वो है इस्लाम वो वो है वो जि, जिसने मुझे ख़त्म कर देना है तो बाकी ये जितने मर्जी वो मजदाकियत आ जाए सोशलिज्म आ जाए कम्युनिज्म आ जाए डेमोक्रेसी आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आगे फिर वो कह रहा है कि जानता हूँ मैं ये उम्मत हाँ कुरान नहीं अल्लाह अकबर सोचिए यार ये हमारे बारे में बात हो रही है जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिल कुरान ही है वही सरमाया दारी बंदाए मोमिन दीन। इनको पैसा चाहिए पैसा हम सुबह से शाम तक आज क्या कर रहे हैं पैसा 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 हम क्यों परेशान हैं? महंगाई 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 ठीक है असर हाजर के तकाज़ों असर हाजर के तकाजाओं से है लेकिन ये खौफ हो ना जाए आशिकार हो न जाए आशकारा आशरा पैगम्बर कहीं वो कह रहा है यार मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी डर है ये शेर जो है ना ये मैं समझता हूँ कि इस पूरी नजम का लुबे लुबाब है इसका एंड है ये कि मोहम्मद से वफ़ा तू ने तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज़ है क्या लाहो कलम तेरे हैं तो ये वही बात डिफरेंट स्टाइल से कही जा रही है वो कह रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें अपनी जगह रखो आज के अंदर जो भी हैं कहीं इनको पता ना चल जाए कि इनकी निजात सिर्फ और सिर्फ शरीत मोहम्मदी में है ये इनको पता चल गई ना दैट्स इट मैं ख़त्म अल हज़र आइन पैगम्बर से अल हजर डरो कहता है डरो आइने पैगम्बर से डरो हाफिज नामू से जन ये है इस्लाम की समरी तीन अल्फाज में इकबाल ने इस्लाम को समझा दिया हमें हाफ नामू से जन औरत की इज्जत रिस्पेक्ट मर्द आज़मा मर्द की मर्दानगी है ना यहाँ पर चलता है कि वो कितना अपने, अपने लड़ने वाला और मतलब अपने क्या उस कहना चाहिए अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़े होने वाला और मर्द आफरी ठीक है ये है एक एक वो है, है ना कि जहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीरें ठीक है अब आप देखिए कि वो क्या क्या चीज़ें बड़ी सिंपल सी बात है बट मैं अगेन थोड़ा सा इसकी तरफ आता हूँ कि ये टाइम हमारे पास भी शॉर्ट है मौत का पैगाम है हर नोए गुलामी के लिए न कोई फ़गोर व खाका न फ़कीर रह नशी ये इसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे और मैं यहाँ से आगे चलता हूँ तोड़ डाली जिसकी तकबीरें तलसम शश जहात हो न रोशन इस खुदा खुदांदेश की तारीक रात इबन मरियम मर गया या जिंदा जावेद है हैं सिफात थे थे हक हक से जुदा यान ज़ात आने वाले से मसीह नासरी मकसूद है या मुजद जिसमें हो फर्जंद मरियम के सिफ़ात हैं कलाम अल्लाह के अल्फाज हादिस या कदीम उम्मत मरहूम की है किस अकीदे में निजात वो कह रहा है यार कि मैंने ना इनको इन चीज़ों में फसा दिया है और मैं इनमें फितने कैसे लाता हूँ मुसैलमा कज़ाब से लेकर आज तक तो उसने हमें फितने ही फितने दिए हैं ठीक है और वो कहता है कि मैंने इनको किस चीज़ों में फसा दिया है कि कुरान ये कुरान जो है ये अल्लाह का कलाम है या अल्लाह अल्ला की मखलूक है मैंने इनको इस पर फसा दिया है कि भाई तुमने नमाज जो है वो हाथ ब्योर के पढ़नी है या हाथ खोल के पढ़नी है कहते मैं इनको किसी ना किसी तरह बहस पे फसाई जाता हूँ ठीक है इनको ऐसी ऐसी बहसों में फंसाता हूँ कि जिसमें से ये निकल ना सकें क्यों क्या मुसलमान के लिए काफ़ी नहीं इस दौर में ये इलाहियत के तरशे हुए लात वनात लातो मनात वो बुद्ध थे जो काबा में थे तो कह रहे आज के इनके लातो मनात ये हैं जो मैं इनको दे रहा हूँ कि तुम जो है ना लड़ाई झगड़ों में पढ़ो बहस से में पढ़ो दीन ना समझना कहीं रूए मोहम्मद तुम्हारे अंदर जाग ना जाए तुम ये और इस बात को यहाँ यूँ कह रहा है कि तुम इसे बेगाना रखो आलम किरदार से ताबसात ज़िंदगी में इसके सब मोहर हमात एक्शन ठीक है अमल पै यकीन मोहकम जो हमारी पहली बेस है अमल पैहम एक्शन वो कहता है यकीन के बाद एक्शन नहीं किया तो कुछ नहीं किया मोहब्बत फ़ात आलम मोहब्बत फ़ात आलम का मतलब है आपकी गुफ्तारदार्स एवरी थिंग ओनली दैन यही है जिहाद जिंदगानी में मर्दों की शमशीरें और वैंड में कह रहा है कि इसको क्या बना दो इसको राहिब बना दो कैसे छोड़ कर औरों की खातिर ये जहाँ बेसबात है वही शेर व तसवुफ़ इसके हक में खूब तर जो छुपा दें इसकी आँखों से तमाशाए हयात हर रफ़्स डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं है हकीकत जिसके दीन की एहतसाब कायन और आखिरी शेर कहता है कि मस्त रखो जिक्र फ़िक्र सुब गाही में इसे पुख्ता तर कर दो मिजाज ख़ान का ही में इसे अल्लाह अकबर वो ये कह रहा है कि भाई मैं अगर इसको कम्प्लीट समराइज करूँ और एंड में अपनी बात को तो ये कह रहा है कि जो हमारा असल ऑब्जेक्टिव था जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी उसने वो निकाल दिया हमारा दीन हमारी ज़िंदगी से और हम सब अपने अंदर एक चंगेज़ हैं ठीक है ये ये नज़म जो है ना ये इसको जब जब मैं पढ़ता हूँ जैसे जैसे पढ़ता हूँ हर दफ़ा मुझे एक नया पहलू मिलता है अपने आप को जानने का क्योंकि अगर हम खुद अपनी खुदी को नहीं जान सकते तो हम क्या ढूंढते हैं हम मोटिवेशनल ढूंढते हैं कि कोई इंसान आए जो हमें मोटिवेट करे तमाम ऑल रिसोर्स यू नीड वो तमाम वसाइल जो आपको चाहिए टू ब्रिंग अ चेंज विदिन यू अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए आर ओनली एंड ओनली विद इन यू सब आपके अंदर मौजूद हैं अल्लाह सुबहान ने आपको अहसन तकवीन इसी बनाया है कि आप एक मुकम्मल पैकेज हैं तो इसी दुआ और इसी इल्तजा के साथ कि अल्लाह सुबहान तको हम सबको अपने हफ्जा मान में रखें और हम सब खुद की तलाश वो तार वो चार्जर जो हमने मोबाइल के पीछे लगाया है उससे निकाल के अपने दिल में लगा के अपने आप को रिचार्ज करने का मौका दें आपसे इजाजत लेता हूँ असल वरम्ह वर्क